ये सिर्फ और सिर्फ आरजीवी यानी कि राम गोपाल वर्मा ही कर सकते हैं दोस्तों। राम गोपाल वर्मा अक्सर अपने बोल्ड कंटेंट के लिए दोस्तों चर्चाओं का विषय बने रहते हैं, चाहे वो भूत पर फिल्म बनाना हो, चाहे वो नाच बनाना हो, चाहे वो डरना जरूरी डरना मना है, वीरपन या फिर मस्त। आपको बताना चाहता हूं कि राम गोपाल वर्मा साहब ने बेहतरीन सिनेमा बनाया है अपने जमाने का, रंगीला को कैसे भूल सकते हैं हम। ऐसे में दोस्तों आपको बता दूं तो राम गोपाल वर्मा ने वर्ल्ड की पहली ऐसी फिल्म बना दी है जो कि है कोरोना वायरस पर, और उसका नाम ही कोरोना वायरस रखा है। जी हाँ, हम भारतीयों को फक्र होना चाहिए कि इस तरीके से हमारे बीच में एक निर्देशक निर्माता भी हैं जो कि इस पूरी पेंडेमिक को ध्यान में मद्देनजर रखते हुए एक फैमिली ड्रामा लेकर आए हैं। बता दूं इसका ट्रेलर दोस्तों आउट हो चुका है। बच्चन साहब ने, अमिताभ बच्चन जी, जिन्होंने उनके साथ सरकार 1, 2, 3 करी है दोस्तों, तो उन्होंने इस चीज को शेयर भी किया है अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर, जहां पर दोस्तों वो ऑल द वेरी बेस्ट बेस्ट विशेस भी दे रहे हैं। बता दूं आपको, मैंने भी ट्रेलर देखा है एंड जो माहौल, जो टेंस माहौल क्रिएट होता है, मतलब क्रिएट हुआ है सोसाइटी के अंदर या हमारी फैमिली के अंदर, उसको बहुत ही खूबसूरत तरीके से वो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, बट इन अ हॉरिफाइंग मैनर। बता दूं आपको दोस्तों, तो इस ट्रेलर के अंदर हम देखते हैं एक फैमिली है जहां पर अच्छे खासे लोग हैं, पापा मम्मी दादी है और प्लस बच्चे हैं, बड़ा बेटा भी है, और साथ ही साथ ये तेलुगु लैंग्वेज में है एंड एक लड़की है, उसको ये कोरोना वायरस हो जाता है और किस तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग कर रहे हैं, किस तरीके से जो है हस्बैंड वाइफ बेड के अलग अलग कोनों में सो रहे हैं, बहुत अलग अलग चीजों से जो है राम गोपाल सर ने एक मैसेज देने की भी कोशिश की है। सो या गाइस, आप भी देख सकते हैं, आरजीवी चैनल पर है ये यूट्यूब में एंड तेलुगु लैंग्वेज में है, और वर्ल्ड की पहली ऐसी फिल्म है जो कि इस कोरोना वायरस पर है, जिसका नाम ही कोरोना वायरस है। बताइएगा मुझे कमेंट सेक्शन में, बने रहिए चैनल के साथ। बाय द वे, अगर ट्रेलर में देखेंगे आप ध्यान से तो बहुत सा एकदम सस्पेंस भी क्रिएट किया गया है, क्यों किया गया हमें नहीं पता, लेकिन वेट करते हैं। नमस्ते दोस्तों, पास्ट में आपने बॉलीवुड स्पाई को ढेर सारा प्यार दिया, सम्मान दिया, जिसके लिए मैं बहुत ज्यादा धन्यवादी हूँ। अब वक्त आया है एक नए चैनल को प्यार और सम्मान देने का, यानी कि फूड स्पाई को, जहां पर आपको अलग अलग अनोखी रेसिपीज तो मिलेंगी, साथ ही साथ बॉलीवुड के सेलिब्रिटीज क्या खाते हैं, उनके डाइट प्लान्स क्या हैं, और तरह तरह की अलग अलग जानकारी मिलेगी। तो डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया है फूड स्पाई का, उसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक एंड शेयर भी कीजिए। चलता हूँ।